हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, पेरोल में 16 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पीएफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर करता है उसकी एंट्री करेंगे। तो टैली कंपनी खोल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो करेंगे उसमें कितना कितना परसेंट होता है। पहला चीज़, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है 12%, उसमें 8.33% किस में जाएगा? एम्प्लॉयर ईपीएस में। एम्प्लॉयर ईपीएफ में कितना जाएगा? 3.67%। इसके अलावा एम्प्लॉयर को देना होता है एडमिन चार्ज जो कि 0.585% है। फिर एक ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन होता है जो कि होता है 0.5%, और ईडीएलआई का एडमिन चार्ज भी लगता है 0.01%। टोटल मिला के एम्प्लॉयर को देना कितना होता है? 13.36%। तो इन सब के लिए हम लोग को पेहेड बनाने पड़ेंगे। तो चलिए पेहेड बनाते हैं। कंपनी मैंने ओपनिंग कर रखा है, सो यहाँ पे पेरोल इन्फो पे हेड क्रिएट। तो पहला पे हेड बनेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस। तो ईपीएस मतलब एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम एट द रेट 8.33%। सो ये देखिए क्या है, ये कंट्रीब्यूशन है स्टैचू एम्प्लॉयर्स, ये स्टैचूटरी कंट्रीब्यूशन होगा। फिर यहाँ क्या होगा, ईपीएस अकाउंट नंबर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ईपीएस अकाउंट नंबर 10 था, ईपीएस अकाउंट नंबर 10। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दिया। फिर यहाँ फार्मूला दे रखा है क्या, कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पे दे रखा है फार्मूला देना है, फार्मूला यहाँ पे दे रखा है ऑन बेसिक, यहाँ स्पेसिफाइड फार्मूला ऑन बेसिक कितना रहेगा। अगर 25,000 रुपये तक अमाउंट होगा तो परसेंटेज कितना कटेगा? 8.33%। और अगर 25,000 से ऊपर हुआ तो वैल्यू कितना वैल्यू होगा, यहाँ दिया हुआ है 2,082.50। एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट होगा एम्प्लॉयर्स ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 3.67। एट द रेट 3.67%, यानी कि जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसमें 8.33% किस में जाता है? ईपीएस में, और 3.67 ईपीएफ में। एम्प्लॉयर्स स्टैचूटरी रिडक्शन, स्टैचूटरी कंट्रीब्यूशन। ईपीएस हो गया एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। फिर इसके बाद सॉरी एम्प्लॉयज स्टैचूटरी रिडक्शन में यहाँ क्या हो जाएगा, पीएफ अकाउंट नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर 1 इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन बेसिक। इसमें दिया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो माइनस है एम्प्लॉयर्स, ये ईआरएस नहीं, ये ईपीएससी है, लेकिन हम ये फार्मूला नहीं देने वाले, हम वही फार्मूला देने वाले जो ऊपर जो फार्मूला लगा हुआ है। सो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। बस फर्क क्या होगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा 3.67%, और अदरवाइज कितना कटेगा, तो हम लोग अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 3.67%, 917 यानी 970 रुपये 50 पैसा, 917.50। तो ये आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया। सो इसी तरीके से हम लोग वहाँ पे हेड बनाएंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ऑन बेसिक होगा क्योंकि डीए तो है नहीं, अगर डीए होता तो डीए को ऐड करते हैं। फिर आगे दे रखा है अमाउंट 25,000 तक, जो भी होगा उसका परसेंटेज कितना कटेगा, परसेंटेज कटेगा वो कितना होगा, 3.67%, 3.67% होगा। 25,000 से ऊपर होगा तो वैल्यू कटेगा कितना, 917 रुपये 50 पैसा।
दैट्स इट एक्सेप्ट. सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया. अब हमें बनाना है क्या, पीएफ एडमिन चार्जेस. पीएफ एडमिन चार्जेस, तो पीएफ एडमिन चार्ज जो कट रहा है एट द रेट 0.85%. तो ध्यान रखिएगा पीएफ एडमिन चार्ज सैलरी का, एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की सैलरी का 0.85% एडमिन चार्ज देना होगा, पीएफ एडमिन चार्ज. सो ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए अदर चार्जेस में जाएगा, एम्प्लॉयर अदर चार्जेस, ये क्या होगा एडमिन चार्जेस. यहाँ देखिए पीएफ एडमिन चार्ज है नहीं, सिर्फ एडमिन चार्जेस है. तो अकाउंट नंबर टू दिया भी, अकाउंट नंबर टू करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी होगा. पीएफ ग्रॉस का परसेंटेज कितना होगा 0.85, दैट्स इट. तो देख लीजिए आप लोग अप टू दिया हुआ है 25,000 तक, वो भी पकड़ाना है. तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग लिख देंगे अप टू 25,000 तक, 0.85% एक्सेप्ट. इसी तरीके से अगला होगा ई डी एल आई कंट्रीब्यूशन का. ई डी एल आई कंट्रीब्यूशन एट द रेट 0.50%, ई डी एल आई कंट्रीब्यूशन होगा. एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस ई डी एल आई कंट्रीब्यूशन 21 नंबर अकाउंट करेंट लाइबिलिटी, यहाँ पे कितना होगा अगेन 25,000 तक. अगला होगा ई डी एल आई एडमिन चार्ज, एट द रेट 0.01%. ये भी होगा अदर चार्जेस ई डी एल आई एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 22. अच्छा यहाँ कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन मिनिमम 2 रुपीज, तो हाँ यस कर देंगे. इन करेंट लाइबिलिटी ऑन ग्रॉस अगेन 25,000, कितना कटेगा 0.01%, दैट्स इट. ये कंप्लीट हमने चार्जेस भी बना दिए. एडमिन चार्जेस बनाने के बाद फिर अगला देखिए क्या पॉइंट कह रहा है. अगला पॉइंट कह रहा है कि क्रिएट द पीएफ पेबल लेजर अंडर पेहेड क्रिएशन और अंडर करेंट लाइबिलिटी एंड पीएफ एडमिन चार्जेस का लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो देखिए एक पेहेड बनाना है और एक लेजर बनाना है. चलिए देखते हैं, पेहेड बनाना है हमें पीएफ पेबल के नाम से. तो पीएफ पेबल अंडर क्या रहेगा, नॉट अप्लीकेबल करेंट लाइबिलिटी. तो ये पीएफ पेबल बनेगा. अब एक लेजर बनाना है, तो बाहर आते हैं अकाउंट इन्फो में जाते हैं लेजर में क्रिएट. तो लेजर किस नाम से बनाना है, पीएफ एडमिन चार्जेस. पीएफ एडमिन चार्जेस अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. यहाँ क्या आएगा पेरोल रोल, यहाँ कुछ भी यस मत करिएगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए नॉर्मल लेजर की तरह. आपने ये कंप्लीट कर लिया. अगला सेशन देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 19. नाउ अल्टर द सैलरी डिटेल एंड ईच एम्प्लॉय एंड ऐड द पे हेड. एम्प्लॉय ईपीएस भी वहाँ चढ़ाना है और 3.67 EV%. तो चलिए देखते हैं एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल में जाएंगे. पेरोल इन्फो सैलरी डिटेल डिफाइन, एक एक एम्प्लॉय के अंदर जाएंगे और नीचे सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे दो हेड भी हम लोग ऐड कर देंगे, ईपीएस और ईपीएफ सारे एम्प्लॉय. बिपाशा दास जयलांबा इनके में भी जाएंगे और इसको पे हेड्स को ऐड कर लेंगे. ज्योति सिंह ईपीएस एंड ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का ये भी जोड़ देंगे. तो आपको ये काम सारे एम्प्लॉय में करना होगा. किसी भी एम्प्लॉय में अगर ये चीज़ रह गया तो फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं आएगा. इसलिए इस बात को इंश्योर करिएगा कि सभी के सैलरी डिटेल में हमने ये दोनों हेड्स को ऐड कर दिया, यानी कि कह सकते हो टैग कर दिया है. संतोष पाठक, श्वेता, लास्ट टीएसआर वाजपेयी. सो कंप्लीट. सो हमने सबका डिटेल अपडेट कर दिया. अब देखिए क्या करना है. अब कह रहा है कि ऑन 1 जून को कंपनी प्रोसेस द एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन और पीएफ एडमिन चार्ज. दो चीज़ प्रोसेस करना है, पहला पीएफ कंट्रीब्यूशन जो कि पेरोल वाउचर से होगा और पीएफ एडमिन चार्ज जो कि जनरल वाउचर से होगा. तो चलिए ठीक है आते हैं अगेन पेरोल वाउचर में. पेरोल वाउचर में ऑलरेडी हैं,
किस डेट में हमें 1 जून को करना है, तो डेट सही कर लीजिएगा 1 जून। यहाँ से यहाँ पे एल्ट के साथ ए दबाएंगे, फिर पकड़ाएंगे पीएफ कंट्रीब्यूशन। हम पीएफ कंट्रीब्यूशन देने जा रहे हैं कब से कब तक का, 1 मई से 31 मई तक। क्या ब्रांच हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज को ऑल आइटम यानी सारे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नेम वाइज शॉर्ट करें और पीएफ पेबल में ट्रांसफर भी करेंगे हम। तो देखिए सबका पीएफ कंट्रीब्यूशन आ गया, एम्प्लॉयर वाला ईपीएस कंट्रीब्यूशन भी और ईपीएस कंट्रीब्यूशन में सब प्रॉपर है, करीबन 10,830 रुपये। तो पीएफ पेबल में ट्रांसफर हो जाएगा एक्सेप्ट। अब देखिए ये एंट्री होने के बाद फिर अगला देखिए एंट्री क्या चीज़ करना है। अगला कह रहा है कि पीएफ एडमिन चार्जेस की भी एंट्री करनी है, तो पीएफ एडमिन चार्जेस की एंट्री करने के लिए हम लोग F5 में जाएंगे, और F5 कह रहा हूँ सॉरी F7 जनरल में एंट्री होगी, जनरल में एंट्री करेंगे। F7 1 जून में एंट्री हो रही है, एल्ट ए प्रेस करेंगे। सॉरी एल्ट ए नहीं, इसके लिए होता है कंट्रोल ओ अदर चार्जेस ऑटोफिल, तो प्रेस करेंगे। कब से कब तक का है, 1 मई से 31 मई। हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए ऑल आइटम सारे एम्प्लॉयज का पीएफ एडमिन चार्ज प्लस पीएफ एडमिन चार्जेस 0.85%, ईडीआई कंट्रीब्यूशन 0.50%, ईडीआई एडमिन चार्ज 0.01%। ये कंप्लीट आ गया, टोटल मिला करके जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 968। ईडीआई कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रही है कि ईडीआई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, ईडीआई कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, कितना आना चाहिए तो इसे हम देख लेते हैं 2 मिनट। तो देखिए वो गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि पेरोल हेड में हमने शायद गड़बड़ी की है। तो पे हेड में अगर हम जाएंगे पीएफ, तो ईडीआई कंट्रीब्यूशन में तो यहाँ पे 0.5% है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 0 रख दिया था, तो इसको 0.5% करना होगा। अब वही एंट्री अगर हम जनरल में करेंगे तो प्रॉपरली आएगा। F7 कंट्रोल ओ 1 मई से 31 मई, हेड ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ऑल आइटम्स यानी सारे एम्प्लॉयज़ को पीएफ एडमिन चार्ज, ईडीएलआई 0.5, सब कुछ ऑलरेडी है सेट। अब देखिए प्रॉपर आ गया 1420 रुपये। तो ये हम लोगों ने ऑटो फिल कर लिया सारे एम्प्लॉयज़ का, एडमिन चार्जेस यहाँ पे आ गया, सो एक्सेप्ट। सो हम लोग ने दोनों की प्रोसेस की एंट्री पास कर ली, इवन पेरोल यानी कि सैलरी की भी, पीएफ कंट्रीब्यूशन की भी और पीएफ एडमिन चार्जेस की भी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे दे रहा है 1 जून को कंपनी इशू द एक्सिस बैंक चेक इन फेवर ऑफ ईपीएफओ, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑफिस, हमने उसका पूरा पेमेंट कर दिया क्लियर पीएफ पेबल, और साथ ही साथ ये सारे चार्जेस भी पे कर दिए। पास द एंट्री जनरेट चलान टू डिपॉजिट इन टू बैंक, तो चलिए देखते हैं इसको करते हैं। सीधे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F5 दबाएंगे। अब यहाँ पे F5 दबाएंगे, फिर डेट कब पेमेंट करें, 1 जून सही है डेट। एल्ट ए दबाएंगे ऑटो फिल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पीएफ चलान, हम पीएफ चलान जमा कर रहे हैं पीएफ का पैसा, तो 1 मई से 31 मई किस दिन जमा करना है, वाउचर डेट 1 जून को। फिर आगे देखते हैं हम लोग हेड ऑफिस एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस ऑल आइटम सारे एम्प्लॉयज सैलरी पेबल, एक्सिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं एक्सिस बैंक, देखिए सारा का सारा सैलरी पेबल भी आ गया, सैलरी पेबल लग रहा है सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ था, तो सैलरी भी इसी में आ गई, सैलरी पेबल सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सैलरी पेबल में बेसिकली यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज की सैलरी आ रही है, रुक जाइए। पेमेंट में अल्टे
सैलरी पेपर नहीं होगा, पीएफ चलान होगा, 1 मई से 31 मई, वाउचर डेट 1 जून, हेड ऑफिस एम्प्लॉय ऑल, पीएफ पेबल होगा एक्सिस बैंक। अब सही आ रहा है, तो पीएफ पेबल का अमाउंट आ गया 10,830 और एम्प्लॉयज पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 12%, 10,830 रुपये। तो इनका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी आ गया, एम्प्लॉय का देखो एम्प्लॉय का जो काटा था वही था ये नीचे वाला 10,830, लेकिन एम्प्लॉयर को आपको पता है एम्प्लॉयर भी देगा 10,830। इसके अलावा एडमिन चार्जेस भी दे रहा है 200 रुपये, इसके अलावा EDLI कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है, उसके अलावा पीएफ एडमिन चार्जेस भी, ये सब एम्प्लॉयर दे। प्रोवाइड डिटेल इसको यस कर सकते हैं, इसमें डिटेल भर दी गई कौन से चेक नंबर से इसका पेमेंट आपने किया है। 1 जून डिपॉजिटर नेम मान लेते मनीष मल्होत्रा, बैंक नेम एक्सिस बैंक, PSR कोड, नेक्स्ट चालान नंबर एक्सेप्ट, ये पेमेंट हो गया। आपने पेमेंट कर दिया किसका, सारे के सारे चार्जेस का। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक एडमिन चार्जेस यानी कि पीएफ का। अभी हम लोग का है ESI कंट्रीब्यूशन। ESI कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ दिया हुआ है कि इसे ESI के लिए अगला हमें हेड बनाना होगा, दिया है क्रिएट पे हेड फॉर एम्प्लॉयर ESI कंट्रीब्यूशन प्रोसेस एज द डिटेल गिवन बिलो। तो ESI का जो एंट्री है, ESI की जो प्रोसेस करना होगा, चाहे तो आप खुद से कर सकते हैं, चाहे तो ये ESI का जो कंट्रीब्यूशन है और जिसका जो कंट्रीब्यूशन का पेमेंट है आपने जैसे PF का भी किया उसी तरह से ESI का होगा। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट जो 22 से लेकर के 27 तक का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।